नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया आज अपने चैनल के माध्यम से अपने खोए हुए उस मशहूर सितारे को एक श्रद्धांजलि के रूप में इस वीडियो को समर्पित करती हूँ। 29 अप्रैल 2020, आप सभी को सुबह सुबह ये दुखद समाचार ज़रूर मिला होगा कि हमारे फिल्मी जगत के मशहूर सितारे और बहुत ही उम्दा और दिग्गज कलाकार इरफान खान जी इस दुनिया को छोड़कर हम सबको अलविदा कह गए। दोस्तों, हमारे चैनल पे बात होती है अध्यात्म की, आत्मा की, दिव्य शक्तियों की, और इसी चैनल पे ये भी कहा गया कि फरिश्तों को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। फरिश्ते धरती पे जन्म लेते हैं और हमको वो सिखा के चले जाते हैं जिससे हमारे जीवन की प्रेरणा आगे की तरफ बढ़ती है। ऐसे ही एक दिव्य शक्ति और दिव्य आत्मा के रूप में इरफान खान जी ने हम सभी को बहुत अपने अल्प आयु में बहुत अच्छे विचारों से प्रेरित करके और अपना कार्य समय से पूरा करके बहुत कम ही समय में सभी को अलविदा कह दिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इरफान खान जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता था। अगर कोई व्यक्ति उनकी एक भी पिक्चर, एक भी मूवी देख लेता था या उनके किसी एक इंटरव्यू को भी सुन लेता था तो उनकी जो सरल व्यक्तित्व और प्रभावशाली जो भाषा थी उनकी, वो उनके आत्मा को प्रदर्शित करती थी। जैसा कि कहा जाता है, मनसा वाचा कर्मणा, जो उनके मन में होता था वही उनकी वाणी में होता था और वही वो कार्य उनके कर्मों में, यानी कि उनके कार्य किए गए कार्यों में, मूवी में और उनके इंटरव्यूज़ में उनकी भाषा के द्वारा हम ये जान सकते थे कि वो किस तरह दूसरों के लिए समर्पित थे। दोस्तों, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आत्मा का कोई मजहब नहीं होता है, और वो अपने सरल भाषा से हर तरह की जो बुरे विचार होते थे या जो कुछ इधर उधर गलत हो रहा होता था उस पर सीधा प्रहार, सीधा कटाक्ष करते थे, और उनके इस व्यवहार से सभी परिचित थे और काफ़ी प्रभावित भी। तो अपने बहुत कम समय की 53 साल की उम्र में ही उन्होंने समाज को एक ऐसा प्रेरणा दी, समाज को कुछ ऐसे संदेश दिए जो मील के पत्थर की तरह हमेशा याद किए जाएंगे। उनके फिल्मी जगत में जो कार्य उन्होंने किया, हम वही कार्य चुनते हैं जो हमारी आत्मा हमें स्वीकार करने को कहती है। तो यकीनन वो वही मूवी, वही पिक्चर या कहेंगे वही सिनेमा के वही जो रंगमंच में भी उन्होंने कार्य किया, वही वो चुनते थे स्क्रिप्ट जो उनकी आत्मा उन्हें स्वीकार करने को कहती थी। ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा। कल मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि आज हम कुर्बानी और दान के नाम पे लाखों रुपए दान करते हैं, चंदा जमा करते हैं और खर्च करते हैं। ये सब करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये वक्त है सोचने के लिए उस बारे में कि हमारे जो भूखे और गरीब लोग हैं उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है और शिक्षा के लिए हमने क्या काम किया है। हमें आडंबर और दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ ऐसी ही भावनाएं उनके काम में भी झलकती थी जो समाज को सीधा संदेश देती थी कि जिस तरफ हम जा रहे हैं उससे हट के अगर हम देखते हैं तो दुनिया को काफ़ी हद तक बदल पाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जैसा उनके सादे विचार थे, जैसा उनका सादा जीवन थे और बहुत ही सरल, हमने बहुत सारे संत महात्माओं को देखा है, जैसे कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं और भी अन्य बहुत सारे महात्मा हैं जिन्होंने अपने बहुत सरल, बहुत ऊंचाई पर जाने के बावजूद भी अपने सरल व्यवहार से, तीक्ष्ण प्रहार से समाज को बहुत सारी संदेश दिए हैं और प्रेरणाएं दी हैं, जिनमें छुपे हुए सीधे वार होते थे कि हमें क्या करना है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसे ही कई संदेश उन्होंने अपने जीवन में, अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने इंटरव्यूज़ के माध्यम से, अपने जो टीवी प्रोग्राम होते थे उसके माध्यम से और लाइव कंसर्ट में भी वो सीधी सीधी बात कहते थे। वो कहीं कुछ बनावटी नहीं होती थी, सीधा उनके आत्मा और उनके व्यवहार एक जैसा प्रदर्शित होता था। तो आज मैं उनके प्रति बहुत दुख महसूस कर रही हूँ, और आप सभी यकीनन करोड़ों उनके फैंस हैं जो आप सभी लोग देख रहे हैं, और इनमें से बहुत से लोग होंगे जो
भूल नहीं पा रहे होंगे कि कैसे एक इतनी दिव्य आत्मा हमारे बीच आज हमको छोड़ के चली गई और अपना प्रभाव छोड़ के चली गई। तो मैं सबसे पहले उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दूंगी और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, ईश्वर उनको जहां भी इस समय हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे। दोस्तों, कल एक टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा था कि जैसा कि किसी भी मृत शरीर या मृत शरीर जो है अंतिम यात्रा के लिए अलग तरीके के कार्यक्रम होते हैं, तो मुझे कहीं लगता है कि जितना सरल और सादगीपूर्ण उनका जीवन था, जितना सरल और सादगीपूर्ण उनका व्यक्तित्व था, जो उनके विचार थे वो इतने सादे थे कि वो हमेशा ये कहते थे कि हमें आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा ही समय ने शायद पहले ही निर्धारित करके रखा, ये मेरे अपने विचार हैं, कि जिस तरह से उन्होंने अपने संदेशों में अपनी बात कही थी कुछ वैसा ही माहौल रहा कि जितना सादा सरल जीवन उन्होंने जिया उतने सादे तरीके से ही वो अपनी अंतिम यात्रा को पूरा करके सुपुर्दे खाक हो गए। ना कोई दिखावा, ना भीड़, ना आडंबर, कुछ भी नहीं। जैसे एक दिव्य आत्मा जन्म लेती है शांति से, वैसे ही वो बिल्कुल शांत तरीके से अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, आइए अपने चैनल के माध्यम से हम उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को जन्नत में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को दुख सहने की असीम क्षमता प्रदान करे। नमस्कार।